काबुल यूनिवर्सिटी से इन दिनों एक बेहद खूबसूरत फोटो वायरल हो रहा है। ये फोटो सिर्फ अफगान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया भर में काफ़ी पसंद किया जा रहा है। पिछले हफ्ते जब काबुल विश्वविद्यालय में एक महिला छात्र को 4 महीने का बेटा एक परीक्षा के दौरान रोता रहा और मां परीक्षा देने के बजाय बच्चे को संभालने में व्यस्त थी, परीक्षा कक्ष में एक शिक्षक ने बच्चे को खुद गोद में उठाकर उसे खिलाते नजर आया। बच्चे की मां ने शांति से अपना पेपर पूरा किया और परीक्षा हॉल में किसी ने इस खूबसूरत दृश्य को कैमरे में सहेज कर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। तस्वीर में शिक्षक काबुल विश्वविद्यालय में पश्तो विभाग में एक व्याख्याता महमूद और मरून हैं। फोटो के बारे में टिप्पणी करते हुए उन्होंने मीडिया संवाददाताओं को बताया कि फोटो के बाद उन्हें दुनिया भर के कई देशों से उन्हें प्यार देने के संदेश मिले हैं। कई सोशल मीडिया यूजर्स ने तस्वीर को इतना पसंद किया कि उन्होंने इसे 2020 में अफगानिस्तान से आने वाली सबसे अच्छी तस्वीर बताया है। प्रोफेसर महमूद मरून कहते हैं कि वह प्यार बांटते हैं और दुनिया भर से प्यार चाहते हैं। हम अफगान पूरी दुनिया और पूरी मानवता से प्यार करने वाले लोग हैं। उन्होंने कहा कि हम न सिर्फ बाकी दुनिया के लिए बल्कि हमारे पड़ोसी पाकिस्तान और भारत के लिए भी प्यार देखना चाहते हैं। बेल्जियम की राजधानी ब्रसेल्स में हजारों मुस्लिमों ने सड़क पर उतरकर बेल्जियम को हिजाब बैन करने के बाद विरोध प्रदर्शन किया। 3 बेल्जियम एनजीओ ने #hijabisfightback नाम का एक कार्यक्रम का आयोजन किया और जो सामाजिक समावेश और मुस्लिम महिलाओं के लिए लड़ाई का प्रतिनिधित्व करता है। हाल ही में बेल्जियम के एक शीर्ष अदालत ने विश्वविद्यालयों में धार्मिक प्रतीकों पर प्रतिबंध लगाने की अनुमति दी, जिसमें हिजाब भी शामिल है। विरोध महिलाओं द्वारा किया गया, जिनमें हिजाब नहीं पहनना शामिल है। उनका कहना है कि हिजाब पर प्रतिबंध लगाना भेदभाव का संकेत है और वे उनके साथ एकजुटता दिखाने के लिए वहाँ मौजूद हैं। इस बीच प्रदर्शनकारियों ने विरोध प्रदर्शन के वक्त सामाजिक दूरी के साथ साथ मास्क पहन रखा था। ये फैसला तब आया जब मुस्लिम महिलाओं के एक समूह ने अपने छात्रों को हिजाब पहनने की अनुमति देने के लिए फ्रांसिस्को फेरर कॉलेज को चुनौती दी। कुछ प्रसिद्ध विश्वविद्यालयों जैसे ब्रसेल्स विश्वविद्यालय और कैथोलिक विश्वविद्यालय के लोगों ने भी प्रतिबंध के खिलाफ विरोध किया और एक बयान जारी किया कि छात्र हिजाब पहन सकते हैं यदि वे चाहें तो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसे लाइक शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसी तरह अरब देश की खबरें देखने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। और आप किस टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं कमेंट करके अभी बताएं।